गई है। तू लोग हमरो अंदर करे बका। नहीं नहीं एक चीज बताइए, झारखंड में हेमंत सोरेन से वीडियो पूछता ना, हम समझता नहीं। देखो समझता नहीं, तू लोग करते 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 हमरो अंदर करा दे। डर लग रहा है आपको भी? डर लग रहा है। 144 का नोटिस आएगा ना तो जर्मों में आपको पसीना चलने लगेगा। ऐसा तो जो बोले हैं उससे ना पूछेगा कि उनका विवेचन हमसे कराइएगा। आपको भी डर है क्या? नहीं नहीं, अरे भाई साहब क्या बात करते हैं, हम परमात्मा के अलावे किसी से नहीं डरते हैं। आपको नहीं पता है तो जानिए। तेजस्वी यादव भी कल शीतल पावन गगन समीरा पांच तत्व से बना शरीरा, इसे डरना क्या है? क्यों डरना है? तेजस्वी जी भी कल इस बात का डरना है? तेजस्वी जी से भी देखिए, जो हमारे लीडर ने कल जो बात किया है वो उतना बेहतरीन, जो आप लोगों के सामने में जो कल उन्होंने पूरा विस्तार पूर्वक जो बयान दिया है उसके बाद भी कुछ बचा रह गया क्या बोलने का? नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में भले ही नई सरकार बन गई है और सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बना लिए हैं, लेकिन अब भी बिहार में खेला होना बाकी है। जी हां, कल जिस तरीके से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा था कि अभी खेला होना बाकी है, अब उसी पे श्रेय पे चलते हुए सुनील सिंह ने भी कहा है कि 5 तारीख को हम बताएंगे जो भी बताएंगे, यानी कि अब वो कह दिए हैं कि 5 तारीख तक का इंतजार कीजिए, 5 तारीख के बाद फिर से बिहार में कुछ बड़ा होने जा रहा है। आज हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव से ईडी पूछताछ कर रही है। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि लालू प्रसाद यादव से ईडी पूछताछ कर रही है, क्या कहना है आपका, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ परमात्मा से डरता हूं और किसी से नहीं डरता हूं, चाहे आप लोग कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं 5 तारीख को ही बोलूंगा। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं सुनील सिंह, हम आपको सुनवाते हैं। कुछ नहीं बोलेंगे हम, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे अभी तो 5 तारीख के बाद सदन में बोलेंगे। अच्छा बस सदन में बोलेंगे कि तेजस्वी यादव अभी देखिए ऐसा बाकी है कि आप पूछिएगा ये लोग खदेड़ के हम लोग को बाहर कर देगा। खेला बाकी है का मतलब क्या है? देखिए ऐसा तो जो बोले हैं उनसे ना पूछेगा कि उनका विवेचन हमसे कराइएगा। आपको भी डर है क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे भाई साहब क्या बात करते हैं, हम परमात्मा के अलावे किसी से नहीं डरते हैं। आपको नहीं पता है तो जानिए। वो तो हमने देखा था, परमात्मा के अलावे, सुनिए, परमात्मा से हम डरते हैं, इसके अतिरिक्त हम किसी से नहीं डरते। 5 तत्व से आपका भी शरीर बना हुआ है और मेरा भी बना हुआ है। तेजस्वी यादव भी कल शीतल पावन गगन समीरा 5 तत्व से बना शरीरा, इसे डरना क्या है? क्यों डरना है? तेजस्वी जी भी कल इस बात का डरना है? तेजस्वी जी से भी देखिए, जो हमारे लीडर ने कल जो बात किया है वो उतना बेहतरीन, जो आप लोगों के सामने में जो कल उन्होंने पूरा विस्तार पूर्वक जो बयान दिया है उसके बाद भी कुछ बचा रह गया क्या बोलने का? नहीं, ये नहीं समझ में आया। अरे आप यही जानिए, 17 साल बनाम 17 महीना, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन 17 महीना बेमिसाल खेला बाकी है, ये नहीं समझ आया। अरे सारी बातें समझ में, अरे भाई आप लोग आपसे में विवेचना करते हैं। झारखंड में ईडी, ईडी क्या बोल रहा है? झारखंड में भी ईडी जी को अंदर यार गई है, वो लोग हमरो अंदर करे बका। नहीं नहीं एक चीज बताइए, झारखंड में हेमंत सोरेन से भी ईडी पूछा ना, हम समझता नहीं। देखो समझता नहीं, तू लोग करते 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 हमरो अंदर करा दे। डर लग रहा है आपको भी? डर लग रहा है? 144 का नोटिस आएगा ना तो जर्मों में आपको पसीना चलने लगेगा। अभी चल रहा है क्या? अरे भाई 144 के नोटिस से पसीना चलने लगता है। ये जो भागा है और इधर आया है और उधर आया है, ईडीए के ना डर है, करप्शन की बात कह रहे हैं। एक सवाल सुनील जी, ईडीए का डर है ना? सुनील जी एक सवाल, कुछ भी पूछेगा हम नहीं बताएंगे। ठीक है, कुछ भी पूछेगा हम नहीं बताएंगे। नीतीश जी का कहना है कि वहाँ उनका दम घुट रहा था, मुक्ति मिली है, किस तरह से उनका दम घुट रहा होगा आप लोगों के साथ? कितना बार उनका दम घुटा, कितना बार उनको मुक्ति मिला, कितना बार फिर दम घुटेगा और कितना बार फिर मुक्ति मिलेगा, उनके बारे में कोई रिक्शा ठेला वाला खोमचा वाला से न पूछिए यार क्या उनके बारे में लोग का व्यू है। कोई महिलाओं से न पूछिए कि उनके बारे में क्या व्यू है। आप क्या जानना चाहते हैं हमसे? अगर हमसे जानना, इंडिया गठबंधन में अगर हमसे जानना चाहते हैं
तो सदन का सत्र शुरू हो रहा है, आमने सामने जब बैठेंगे तब ना उनके गुणों की विवेचना करेंगे। इंडिया गठबंधन में अब अभी है, तब ना उनके, अरे भाई छोड़िए ना, कार्रवाई करते करते तो आज 20 साल हो गया यार। सुनील जी, इंडिया गठबंधन में अब क्या होने वाला, आप लोग साथ हैं, जाएंगे कल? अरे भाई, इसके बारे में हमारे राष्ट्रीय स्तर के लीडर ने, हमारे प्रवक्ता ने, अधिकृत प्रवक्ता ने विस्तार पूर्वक बता दिया है। हमारे बोलने के लिए कुछ भी बचा हुआ नहीं। पूर्णिया जा रहे हैं रैली में, आप लोगों को इनविटेशन है, पूर्णिया जा रहे हैं कल राहुल गांधी के रैली में। मंदिर में लोग बैठा है, मंदिर का राहुल गांधी के रैली में कल आप लोग जा रहे हैं या नहीं ये बता दीजिए। सुनील जी, राहुल गांधी के रैली में कल आप लोग जा रहे हैं कि नहीं ये बता दीजिए। तो देखिए, जी हाँ, सुना आपने सुनील सिंह को। सुनील सिंह ने साफ कर दिया कि जो भी बयान देंगे वो 5 तारीख के बाद ही देंगे। और इस वक्त हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव से ईडी पूछताछ कर रही है, लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ कर रही है। और ये पूछताछ पटना में चल रही है, जहां पर सुनील सिंह भी गए हुए हैं। सुनील सिंह ईडी दफ्तर के बाहर है और वहां से तमाम जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मीडिया के सवालों से भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से मीडिया खबर चलाती है, अब हमें भी जेल भेजवाना है क्या? अभी हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम जो भी बोलेंगे 5 तारीख को ही बोलेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सुनील सिंह 5 तारीख को क्या कुछ बोलने वाले हैं, और अब बिहार में क्या कुछ होने वाला है नई सरकार में, और क्या अब भी खेला बाकी है नई सरकार में, क्या फिर से एक बार चुनौती पेश करेंगे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सरकार को लेकर। ऐसे तमाम मुद्दों पर, ऐसे तमाम जानकारियों के लिए बने रहिएगा आप एक न्यूज 24 के साथ। हमें दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।